भागवत जैसा वैज्ञानिक साइंटिफिक ग्रंथ पूरे ब्रह्मांड में न स्वर्गे न मृत्यु, अर्थात स्वर्ग में और सत्य लोक में भी नहीं है, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं वहां भी नहीं है। भागवत सुनने के लिए आपको यही टपकना पड़ेगा। इंद्र को स्वर्ग में मिलता तो इंद्र आता क्यों, और इंद्र को भरे दरबार में अपमानित करके वापस जाना क्यों पड़ता। तो भागवत की कथा इंद्र के भाग्य में भी नहीं है, केवल आप लोगों के भाग्य में है। क्यों? क्योंकि आपने उस देश में जन्म लिया जिस देश में गंगा बहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा गंगे तियो ब्रुवात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम् सगच्छति। कहते हैं गंगा गंगेत यो ब्रुवा, जो सौ योजन, अब सौ योजन दूर, चार कोस में एक योजन, एक कोस में 3.6 किलोमीटर, 3 मान राउंड फिगर मान लो तो 3×12 किलोमीटर, यानी एक योजन इजिकल टू 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर से कोई गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, केवल ऐसा बाथरूम में बोल दे तो गंगा मैया तुम्हारे बाल्टी में आके तुम्हें नला के चली जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। चाहो तो रोज गंगा स्नान कर सकते हो, गंगा जी का आवाहन ही तो करना है। कितनी कृपा करती है माँ इस कलयुग में, 1200 किलोमीटर, और मुझे नहीं लगता कि गंगा मैया 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है दतिया से। बोलो जय श्री कृष्ण। पास ही होगी, 1200 तो नहीं होंगी, 1200 से थोड़ी कमी, कितने दुगा हमारे आचार्य जी कह रहे 700 किलोमीटर बच गए हो बेटा, हाँ नहीं तो फिर टिकट कटा के जाना ही पड़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। है ना, 700 किलोमीटर है तो ज्यादा दूर थोड़ी है, और क्या 1200 तक की छूट है, 1300 किलोमीटर वालों को जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग जीते जी जाते हैं नहाने, अब कुछ लोग जीते जी नहीं जाते, जार में बंद होके जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो घर वाले लेके जाते हैं उन्हें, हड्डी पसली को इकट्ठा करके राख में ले जाती। तो निर्णय तुम्हें करना है कि जिंदा जाओगे या जार में बंद होके जाओगे। इसलिए शरीर में जब तक सामर्थ है तो एक बार जिंदा ही हो जाओ, है ना। चार धाम की यात्रा उत्तराखंड के भी करने चाहिए, गंगोत्री यमुनोत्री बद्री और केदारनाथ। आजकल साहब हमारे उत्तराखंड में बहुत सुंदर व्यवस्था है, हमारे हिंदुस्तान का 100 शहरों में सो सबसे नंबर एक शहर, स्वच्छ शहरों की सूची में नंबर 1 शहर है, वो मेरा ही शहर है हरिद्वार। बोलो जय श्री कृष्ण। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां 5 से 10 करोड़ लोग आते हैं गंदगी करके चले जाते हैं, वहां एक भी मच्छर नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग मच्छर किसे कहते हैं जानते ही नहीं, ये ऑल आउट फॉल आउट लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्वच्छता का पैमाना है वहां का, हरिद्वार का, तो इसलिए भी आओ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।